क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फाइंड करना है साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू टेन एक्स अपॉन टू। यदि कॉस एक्स की वैल्यू माइनस 1/3 और एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे हो, तो देखिए पहली बात तो यहाँ लिखिए हियर एक्स इज इन क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट थर्ड। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो ध्यान रखना आल सुगर टी एंड कॉफी, इस कंडीशन पे टेन और कॉर्ड क्या होते हैं प्लस में रहते हैं, बाकी सभी माइनस में रहेंगे। ये x की बात हुई है, ठीक है, ध्यान रखना x की। अब हम आते हैं x अपॉन टू पे, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ तक ये 90 हुआ, ये हुआ 180, और 180 को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्राफ यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, तो ये कहलाता है 270, और 270 को हम 3π/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है कहाँ से कहाँ तक बन गया, x इज ग्रेटर देन 3π/2, ये पाई टू पाई लेस देन x और x लेस देन 3π/2, ये हुआ, ये x के लिए हुआ, ठीक है, x के लिए हो गया। लेकिन हमें जब आंसर देना है लास्ट में, वो क्या है x अपॉन टू पे, देख लो यूनिट, ठीक है। तो आंसर के लिए ये तो रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो यूनिट होगी x होगी। अब आते हैं x अपॉन टू पे, तो यहाँ पे भी डिवाइड टू का करिए, लेस देन x अपॉन टू करिए, और लेस देन क्या हो जाएगा 3π/2 को कितना हो जाएगा 4, तो 2 का डिवाइड 2 से 2 × 4 होगा। अब ये क्वाड्रेंट जो बनेगा, जो हम आंसर देंगे लास्ट में, तो किस पे देंगे, तो पाई पे 2 का डिवाइड, पाई की वैल्यू ध्यान रखना, पाई इज इक्वल क्या होता है 180, जब हम पाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180/2, इसका मतलब हो जाएगा 90, यानी 90 डिग्री, ठीक है, 90 लेस देन एक्स अपॉन टू और लेस देन ये हो जाएगा कितना 3π का मतलब हुआ 3 × 180/4 और 4 से डिवाइड तो 45, 5 का इंटू तो 3/4 का और 135, तो 135 इतना आ गया, ये डिग्री पे आ गया, ठीक है, ये रेडियन पे डिग्री पे है, जरूरी नहीं कि आप डिग्री पे कन्वर्ट करें, समझाने के लिए। तो अब ये 90 से 135 में आंसर देना है, तो 90 डिग्री ये कहलाई और ठीक है, और 130 मतलब यहाँ से ये 90 से ये क्या है 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ही आंसर हमें देना है, जब आंसर देना है सेकंड पे देना है। लेकिन अभी क्वेश्चन जब हम यूनिट एक्स लेके करेंगे तो यहाँ है, और आंसर देना हमको एक्स अपॉन टू पे, तो यहाँ है। तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या क्या होता है, ध्यान रखना आंसर हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे देना है। अब ये जब सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो साइन प्लस में रहेगा और कॉस प्लस में रहेगा, कॉसेक 2 प्लस में रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस में। तो इसका जब हम आंसर देंगे तो इसको प्लस में रखेंगे, कॉस को माइनस में रखेंगे और टेन को माइनस में रखेंगे, आगे समझ में। साइन वर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा और दो क्या होंगे निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया ना, अब लिखिए देयरफॉर THEIFORE, ठीक है, देयरफॉर कॉस एक्स अपॉन टू एंड टेन एक्स अपॉन टू आर निगेटिव। अभी समझा ना क्यों निगेटिव, क्योंकि ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट पे, ध्यान रखना यूनिट एक्स अपॉन टू वाली बात हो रही है, तो आंसर हमें देना लास्ट में। वेयर साइन एक्स अपॉन टू एज इज पॉजिटिव, जबकि साइन जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा। कंडीशन समझ में क्यों ऐसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारे जो आंसर निकलेगा लास्ट में वो 90 to 135 निकलेगा, मतलब पाई बाई टू से 3π/4। चलिए अब वी हैव गिवन जो था तो उसको हम लिख लेते हैं अगेन, वी वॉन्ट टू पुट इट हियर, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है -1/3, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। अब देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ फार्मूले लगेंगे, वो फार्मूला पहला,
ये दूसरा, दो फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पहला लगेगा कॉस एक्स का, ये फार्मूला होता है 1 - 2 sin² x / 1, और दूसरा फार्मूला भी कॉस ही का लगेगा, ये होता है 2 cos² x / 2 - 1। कॉस के दो फार्मूले लगने वाले यहीं पे हम लगाएंगे, ठीक है। और एक तीसरा फार्मूला हम लगाएंगे 10 का, और 10x = क्या होता है, 10x = sin x / cos x, ये होता है। बस तीन फार्मूले लगाएंगे और आंसर हम पा जाएंगे, ठीक है। जब हमें यूनिट चेंज करना होगा तो फिर 10 का हम ऐसा ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, 10x / 2 = sin x / 2 और cos x / 2, ये भी हम यूज़ करेंगे यूनिट चेंज करके, ठीक है, यूनिट चेंज। तो चलिए शुरुआत हम इससे करेंगे, कॉस एक्स से, पहले वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे मेंशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सच दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x / 2। अब कॉस की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा -1/3, ठीक है, इज इक्वल 1 - 2 sin² x / 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते आइए, पहला क्या हम काम क्या करना है, इस माइनस को इधर लाए साइन को, तो ये हो जाएगा 2 sin² x / 1, और ये -1/3 उधर चला गया 2/3। अब यहाँ पे इसको रखिए 2 sin² x / 2 इज इक्वल 3 × 3 = 3 + 1/3, आगे समझ इतना, ऐसे ही 1 by 1 इसको सॉल्व करते आना है, ठीक है। चलिए हमें साइन निकालना है, 2 sin² x / 2 इज इक्वल हुआ 4/3, ये 2 है नीचे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, sin² x / 2 इज इक्वल 4/3 × 2, 2 से डिवाइड हुआ 2, तो बन गया sin² x / 2 = 2/3, ठीक है। यहाँ पे लिखिए sin² x / 2 इज इक्वल, रूट चढ़ाइए दोनों में, √3/√2, ठीक है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देना है, डिनोमिनेटर को यहाँ लिखेंगे हम sin² x / 2 = √3/√2 पहले है, फिर √3 × √3/√3, ऐसे बन जाएगा √6 अंदर से अंदर × 3 हो जाएगा, ये हुआ sin² x / 2 की वैल्यू हो गई। आगे सुनिए, साइन निकल आया, अब इसी प्रकार हमको कॉस भी निकालना है। चलिए फिर से हम फार्मूला लगाते हैं कॉस एक्स के, इम्प्लाई अगेन कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos² x / 2, और फिर लगाएंगे -1। अब यहाँ पे कॉस से ही सॉल्व कर सकते हैं, ये भी साइन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस बार हमको चाहिए सिंपल सा कॉस का मान, ठीक है, इस बार कॉस इसको कॉस स्क्वायर एक्स अपॉइंट सॉल्व करें, देखिए sin² x / 2 आ गया, अब हम हमको चाहिए x / 2 cos x / 2, फिर से वैल्यू यहाँ पे रखिए 1/3, फिर लिखिए 2 cos² x / 2 - 1, इम्प्लाइज लेकर के ये 1 जो है ये माइनस वाला इधर आ गया, तो 1 - 1/3 इज इक्वल हुआ 2 cos² x / 2, इसका इंटू करिए 3 - 1/3 इज इक्वल 2 cos² x / 2, देन ये हुआ 2/3 इज इक्वल 2 cos² x / 2। अब यहाँ पे इस 2 को हम नीचे लाएंगे, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड, तो 2/3 × 2 इज इक्वल हुआ cos² x / 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो 1/3 इज इक्वल cos² x / 2 है। अब हम देंगे इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज लेकर के इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इम्प्लाइज हुआ cos² x / 2, ठीक है, इज इक्वल 1/3, हमें सिर्फ चाहिए क्या, cos x / 2 की वैल्यू, तो आ जाएगा √1/3,
देन कॉस एक्स अपॉन टू इज इक्वल वन का स्क्वायर रूट वन और थ्री का रूट थ्री होता है। ठीक है, डेनोमीटर में कभी भी कहा जाए कि रेशनल फॉर्म में जब कोई वैल्यू लिखी जाए और डेनोमिनेटर रूट में आए तो उसको रेशनलाइज करना है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, ये आपका आ गया एक्स अपॉन टू इज इक्वल रूट थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, दो वैल्यू हम गेट कर चुके हैं, पहला आप देखोगे साइन की, साइन एक्स अपॉन टू रूट सिक्स अपॉन रूट थ्री रूट सिक्स अपॉन थ्री, और एक हो गया कॉस एक्स अपॉन टू रूट थ्री अपॉन थ्री। अब चूंकि क्या है कि जब हम आंसर देंगे तो इसको निगेटिव में देना है, तो इसको हम मेंशन करेंगे लास्ट में, ठीक है, या इम्प्लाइज करके हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कॉस कॉस एक्स अपॉन टू इज इक्वल माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री। इसका रीजन समझ में आया क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमने शुरू में ही मेंशन कर दिया कि साइन जो है प्लस में रहेगा एक्स अपॉन टू वाली यूनिट, लेकिन कॉस की एक्स अपॉन टू माइनस में आ जाएगी, तो दोनों हो गई। अब लास्ट में हम करते हैं टेन को सॉल्व, तो टेन का जो फार्मूला मैंने बताया था देख, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेन एक्स अपॉन टू सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैं फार्मूला लिया साइन एक्स अपॉन टू और डिवाइड पे ले लिया कॉस एक्स अपॉन टू। चलिए साइन एक्स अपॉन टू की वैल्यू रूट सिक्स अपॉन थ्री हो गई, ठीक है, वही कॉस एक्स अपॉन टू की जो वैल्यू है वो माइनस में आई है, तो माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री हो गए फ्री, इस डिवाइड आप चाहे इसको इक्वल जो मैंने लगाया इसको यहां ना लगा करके हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज लिया, यहाँ पे आप लिखते आना टेन एक्स अपॉन टू, अब यहाँ पे रूट सिक्स बच गया, टेन एक्स अपॉन टू पे बचा गया रूट सिक्स और अपॉन पे बचा माइनस रूट थ्री। अब कई बार मैं जब भी वैल्यू माइनस रूट में आए उसको रेशनलाइज करना है, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, डेनोमीटर माइनस में रहता हूँ, तो रूट सिक्स अपॉन रूट थ्री और रेशनलाइज रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। अब इसको प्यार से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, तो सिक्स और थ्री वापस में सॉल्व करना है, ठीक ना, तो देख सिक्स थ्री जाए एटीन हो जाएगा, ये माइनस लिखा और लिख दिया सिक्स थ्री जाए एटीन और रूट से रूट का इंटू तो थ्री आया। अब आगे इसको आप लिखते आइए टेन पाई बाई टू, इसको भी लिखिए टेन पाई बाई टू, ठीक है, लास्ट स्टेप पे इम्प्लाइज लेंगे, लिखेंगे टेन पाई बाई टू, नो पाई बाई टू नहीं है, एक्स बाई टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, ठीक है, इज इक्वल एटीन का एलसीएम ले लीजिए, तो एटीन का एलसीएम होगा टू इंटू थ्री अपॉन थ्री, अब यहां से पेयर बना तो थ्री बाहर आया, माइनस थ्री अपॉन रूट टू अपॉन थ्री डिवाइड हुआ, तो ये टेन की वैल्यू गई एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू की जो वैल्यू आई वो माइनस रूट टू आ गई, माइनस में चाहिए था क्योंकि हमने कॉस को क्या मेंशन कर दिया पहले ही करेक्ट आंसर के फॉर्म में, तो ये टेन भी माइनस में आ गया, अगर टेन प्लस में आता तब भी इसको माइनस ही दिखाते, देयर फॉर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, लास्ट में लिखेंगे देयर फॉर टी एच ई आर ई देयर एफ ओ आर देयर फॉर द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू एंड टेन एक्स अपॉन टू आर क्या कह देंगे, साइन का जो आंसर है वो रूट सिक्स है, यहाँ आप देख सकते, ठीक है, रूट सिक्स बाय थ्री, टेन का माइनस में है, माइनस में आंसर ही लाना है यूनिट के अकॉर्डिंग, और टेन भी माइनस में है, ये साइन कॉस का था, ये टेन का, एंड कर देना है एंड माइनस रूट टू, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। कहा जाए कि आठ नौ दस क्वेश्चन जो थे उनकी यूनिट जब एक्स थी तब तो ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सॉल्व हो रहे थे, लेकिन जैसे एक्स अपॉन टू हुई ना तो थोड़ी क्वाड्रेंट में चेंजेस आ गए, तो इस चीज को आपको समझ के ही करना तीनों क्वेश्चन को, ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।